हम हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है। अगली शेयरिंग को शुरू कर लेते हैं। अजय तालवीकर भैया की शेयरिंग है। नमस्ते अजय तालवीकर भैया, जी नमस्ते दीदी। जी आपका परिचय रख देती हूँ, फिर उसके बाद आप शुरू कर लीजिएगा। जी, जी जी तो अजय तालवीकर भैया असिस्टेंट प्रोफेसर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट नागपुर में। भैया ने पहला वर्कशॉप जुलाई 2021 में किया था और भैया वॉलेंटियरिंग भी कर रहे हैं, एफएक्यू टीम में कर रहे हैं, एफडीपीस में कर रहे हैं, वीकली मीटिंग में मॉडरेशन कर रहे हैं और भैया हेल्प डेस्क एंड ट्रांसलेशन टीम में भी जो है भागीदारी अपनी दे रहे हैं। तो भैया से निवेदन करूंगी, भैया अपनी शेयरिंग को रखें। जी अजय भैया, जी नमस्ते सभी को। जैसे कि दीदी ने परिचय दिया, मैं अजय तलवेकर नागपुर में हूँ और यहाँ मैं इंडस्ट्री में था। पहले कुछ 10 साल मैं इंडस्ट्री में था, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में। फिर 10 साल मैंने अपना इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस किया है गवर्नमेंट BSNL MSEB में। और फिर अभी पिछले 16-17 सालों से मैं यहाँ पढ़ाता हूँ मैनेजमेंट में, और मैंने इंडस्ट्री रिलेशंस और स्पिरिचुअलिटी में PhD भी कर रखी है। तो ये विषय वैसे भी मुझे बहुत ही थोड़ा सा करीबी लगता था, ह्यूमन रिलेशंस, इंडस्ट्री रिलेशंस, लेबर लॉज, और ये सब विषय में पढ़ाता था। अभी इन पढ़ाने में भी काफ़ी गति हुई है। और मेरे घर पे मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर मीनाक्षी, जो वो भी इंग्लिश की प्राध्यापिका है, और मेरी बेटी है जो अभी इस साल बेंगलोर में पढ़ने के लिए गई है, MBA कर रही है वहाँ वेलिंगकर इंस्टीट्यूट से। और बेटा छोटा है, थोड़ा सा गैप है काफ़ी, मतलब वो बेटा अभी 6 में है और मेरी उम्र करीब अभी 58.5, मतलब अभी मैं 1.5 साल में रिटायर हो जाऊंगा। तो थोड़ा सा बेटे को तरफ ध्यान देना होता है, शाम को उसको ट्यूशन ले जाना, लेके आना, इसलिए फिर शाम को कई बार जो वीकली मीटिंग में मॉडरेशन का काम, फिर कभी एक हद बार दिक्कत हो जाती है चंद भैया के साथ में, फिर कोऑर्डिनेशन करने में, तो वहाँ पे फिर पार्टिसिपेशन में भी थोड़ा सा ये आता है, उसकी तरफ ध्यान थोड़ा देना पड़ता है। और यहाँ से नागपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है वर्धा। वर्धा में हमारा पुश्तैनी मकान, वहाँ खेती भी है कुछ। तो वहाँ पिताजी का देहांत हुआ है पिछले अक्टूबर में, तो मम्मी अभी कभी मेरे पास में रहती है नागपुर में, कभी दीदी के पास में रहती है, बड़ी दीदी एक है चंद्रपुर में रहती है, और फिर कभी वो यहाँ वर्धा में भी रहती है। तो ऐसा मेरा इसलिए फिर वर्धा भी आना जाना होता है। तो इस तरह से मेरा परिचय है। और काफी कुछ ये 5-6 मॉर्निंग सेशंस में समझ बनी है, तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में ही सारी चीजें रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज वैसे तय हुआ था कि मैं 15 मिनट में सब कुछ खत्म करके मेरी मिसेज जो है मीनाक्षी, वो कुछ बात रखे, बट मुझे किसी आवश्यक कार्य से इधर नागपुर में नहीं हूँ, मैं आज वर्धा में आना पड़ा, तो यहाँ से मैं बात रख रहा हूँ, तो वो शायद आज नहीं बात रख पाएंगी। तो मैं फिर भी 15 मिनट में इसको खत्म करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने मतलब दो तीन स्टेप्स को क्लब करके इसको कुछ ऐसा बनाया है। जैसे अभ्यास एक में हम स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का जो काम अभी शुरू किया है, इसमें कल्पनाशीलता का जो निरीक्षण है उसमें अब मैं ध्यान दे पाता हूँ। जैसे कि पहले बेहोशी में ही जीना होता रहा है, मतलब ध्यान देने की जो वस्तु है उस पर ध्यान बहुत ही कम समय तक रह पाता था। पहले तो कोशिश करने करके भी उधर से मतलब ध्यान देना ही होता था, भटकता ही रहता था। फिर दूसरी तीसरी चौथी मॉर्निंग सेशंस में यह अभ्यास ठीक से होने लगा था। सुजय भैया का एक सुझाव भी था कि 30 मिनट का अगर आप अलार्म लगाते हैं तो इस तरफ ध्यान जाने का फिर वो जो गति है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। बट ये 2-3-4 मॉर्निंग सेशन से धीरे धीरे शेयरिंग करते करते फिर अब ये पहली स्टेप जो है अच्छे से होने लगी है, मतलब तो अभी भाव पर ध्यान जाना शुरू हुआ है। जैसे मेरा विचार, मेरा व्यवहार, ये अब भी मैं खुद तय नहीं करता, पर जो हो जाता है व्यवहार उस पर ध्यान जाता है और फिर परिमार्जन होता हुआ दिखता है।
और सजग रहने की, होश में रहने की जो स्टेप हमेशा के लिए कितनी आवश्यक है, ये भी अब धीरे धीरे समझ में आने लगी है। और फिर इसको दूसरी तीसरी चौथी स्टेप्स है जो अभ्यास एक की, उसको अगर क्लब करेंगे तो इसमें ऐसे कई भाव ऐसे हैं जो हम काम तो कर जाते हैं पर उसकी सहज स्वीकृति धीरे धीरे उभर कर सामने आती है। जैसे जेंडर इक्वेलिटी के आधार पर घर के कामों में हाथ बटाना, ये धीरे धीरे और डरते डरते हो रहा है। जैसे कभी मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, जो कि अगर रेखा तैजोगी हमारे घर पे घर का काम संभालती है, अगर वो किसी दिन नहीं आती है, या तो फिर मीनाक्षी मेरी वाइफ जो सुबह से व्यस्त है या उपलब्ध नहीं है उस दिन, ऐसे समय पर मुझे मैं घर में झाड़ू लगा लूँ, ये मैंने भी स्वीकार कर लिया जो पहले नहीं किया करता था। तो ऐसे में अगर कोई ऑफिस का कलीग या मेरे पड़ोसी अगर घर पर दस्तक दे रहा है तो झाड़ू एक कोने में रखकर ही मैं दरवाजा खोलता हूँ, तो फिर मुझे वो छुपाना, मतलब मैं झाड़ू लगा रहा हूँ घर पे, ये मैं दिखाना नहीं चाहता उनको। तो ये जो सूक्ष्म तौर पर जो उसका एक्सेप्टेंस वो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो इस मुद्दे की जो सहज स्वीकार्यता है ना, वो तो स्पष्ट है कि मुझे सभी के सामने निडर होकर घर के कामों में हाथ बटाने का कर्तव्य स्वीकारने को और करने का कार्य करना है। पर मैं इसमें भी घर में आने वाले व्यक्तियों के दो वर्ग बना लेता हूँ, जिनको मैं यूएचवी कंटेंट शेयर करने के लायक मानता हूँ, उनके सामने मैं अपने हाथ का झाड़ू कोने में नहीं रखता, क्योंकि वो मैं उनको समझा सकता हूँ या वो समझ पाएंगे, ये लगता है मुझे। तो ये सभी के सामने एक समान व्यवहार करने की सहजता आने में मुझे धीरे धीरे देर लग रही है, और ये देर शायद इस मान्यता के आधार पर भी लग रही है कि समाज में पुरुषों के कार्य और महिलाओं के कार्य का विभाजन पिछले 3-4 पीढ़ियों से जो प्रचलित है, वो मन से तुरंत जाते नहीं है, उसको जाने के लिए धीरे धीरे समय लगेगा या लग रहा है। इसमें स्वीकृति वाला मुद्दा ये भी है कि मीनाक्षी भी जॉब करती है और कई बार सुबह से व्यस्त रहती है, तो घर के कुछ काम छूट जाना स्वाभाविक है, जो कि मुझे हाथ बटाकर कर लेना चाहिए। और इसमें सहज स्वीकृति वाला मुद्दा ये दिखाई देता है कि मीनाक्षी अगर जॉब नहीं भी कर रही है तो भी घर के कामों में हाथ बटाना यह स्वाभाविक तौर पर मुझे स्वीकारते आना चाहिए, और इसमें अभी काफी काम होना, परिवार्जन होना होने का काम दिख रहा है। फिर आगे की 5-6-7 की जो स्टेप्स है बस एक की, उसमें अपने व्यवस्था पर मैं ध्यान देता हूँ, तो ये दिखता है कि मैं यूएचवी के कंटेंट को अपने व्यवहार कार्य में लाने में अगर कोई गैप देखता हूँ तो स्वयं ही हार्मोन में नहीं रह पाता हूँ, और उस गैप को धीरे धीरे कम करने के लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ। पहली स्टेप यानी अपनी कल्पनाशीलता को देखते रहने की प्रक्रिया में, या व्यवस्था में या हार्मोन में बने रहने की कोशिशें और उसके लिए लिए जाने वाली स्टेप्स अब मुझे दिखने लगी है। इसी कड़ी में मैं अपने अस्तित्व की विभिन्न इकाइयों पर ध्यान देता हूँ, जो कि सह अस्तित्व के महत्व को स्पष्ट करती है, तो मैं यह देख पाता हूँ कि कितना डिस्क्रिमिनेशन, कितना भेदभाव मैंने कर लिया है अपने जीने में। जैसे डिग्निटी ऑफ लेबर या कार्य की श्रेष्ठता को मैं समझता हूँ तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को मैंने स्वीकार कर लेना चाहिए। 8 घंटे काम करने के लिए जितने पैसे मुझे मिलते हैं, क्या उसी प्रपोर्शन में मैं जिनसे काम करवाता हूँ या जिनके साथ काम करता हूँ उनको भी मिलने चाहिए, इस अर्थ में मैं जी पाता हूँ? यहाँ पर भी मैं काफी कम काम करने की जरूरत महसूस करता हूँ। कुछ जगह मैंने पहल की है, जैसे मैं अपने हाथों से पानी लेना, अपने ऑफिस का काम, छोटे छोटे काम किसी को ना बताते हो खुद करना, अपनी फाइल्स खुद निकालना, अपनी गाड़ी खुद खुद साफ करना, या गाड़ी साफ करना केवल छुट्टी के दिन ही हो पाता है, कॉलेज से लौटते वक्त अपनी कार में अपने रास्ते पर जाने वाले सहकर्मियों को या फिर स्टाफ लोगों को लिफ्ट देना, जितने भी संभव है उतने कामों में मैं फिर इसको शामिल कर पा रहा हूँ। हाँ, इकाइयों के संबंधों में देखने की कड़ी में आगे आता है कबूतर। कबूतर जो हमारे घर की गैलरी में आकर रहना चाहता है, मीनाक्षी और रेखा ताई उस कबूतर को गैलरी में नहीं रहने देना चाहती, क्योंकि वह वहां पर गंदगी फैलाता है और बदबू आती है उससे। मैं सह अस्तित्व देख पाता हूँ। आज जो वन्य जीव पशु पक्षियों के स्पेस पर हम मानव समूहों ने जो अतिक्रमण कर रखा है वह सहज स्वीकार्य नहीं है। तो मैं अपने स्तर पर इतना तो कर ही सकता हूँ कि अपने फ्लैट की बालकनी में किसी कबूतर की एक पीढ़ी को पनाह दे सकता हूँ, और फिर मैंने मीनाक्षी और रेखा दीदी से यह करार कर लिया कि उस बालकनी की साफ सफाई मैं का काम मैं खुद कर लूंगा जिस बालकनी में कबूतर ने अपना घर बसाया है, और तब मैंने देखा कि मेरी हारमोनी थोड़ी सी बढ़ गई है। फिर अभ्यास दो में
मैं और मेरा शरीर ये भिन्न वास्तविकता है, इसे देखना। बहुत सूक्ष्म स्तर पर मैं इस कल्पना को देख पाता था, पहले भी देख पाता था, पर उसका ये ध्यान नहीं था मुझे। पर अब यूएचवी कंटेंट्स को समझते हुए इसमें काफी गति आ रही है। जैसे कि अपनी कल्पना में मैं पहले देखा करता था कि मैं चांद पर बैठा हूँ और वहां से जमीन पर नागपुर से मुंबई, नागपुर से भोपाल, नागपुर से हैदराबाद, ये इलाका मैं देख रहा हूँ। क्योंकि इन इलाकों में या तो मेरे कोई संबंधी रहते हैं या तो इन जगहों पर मेरा जाना हुआ है, तो वहां का मानव जीवन, मानव व्यवहार, उसमें मेरा सहभाग, मैं तटस्थ होकर देखा करता था। और ये एक्सरसाइज करना मुझे अच्छा लगता था। और तब मैं और मेरा शरीर रूपी कार्य, ये दोनों अलग वास्तविकता है, ये दिखाई तो देता था पर इसे मैं ज्यादा समझ नहीं पाता था। पर अब ये कंटेंट्स को एक्सप्लोर करते हुए इस पर थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पाना संभव हुआ है। मेरे शरीर में जो संवेदनाएं होती है उनको पढ़ने का और उसे अर्थ देने का निर्णय मैं भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्नता से लेता हूँ, ये भी अब दिखने लगा है। जैसे कि मोशन का प्रेशर हो या यूरिन ब्लैडर का प्रेशर हो, तो मैं किसी वर्कशॉप या सेमिनार या ट्रैवल में इसको मैं टॉलरेट कर पाता हूँ। ट्रैवल में इसलिए टॉलरेट कर पाता हूँ क्योंकि मजबूरी है। सेमिनार या प्रेजेंटेशन में इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं वैसा करना चाहता हूँ। और अगर मैं फ्री हूँ तो ये प्रेशर मैं 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये मैं तय करता हूँ कि शरीर की कौन सी संवेदना को पढ़ना है और उसको क्या अर्थ देना है। फिर कई संवेदनाओं की तरफ ध्यान जाने लगा है, जैसे खुजली, गर्मी, सर्दी, झुनझुनी, सुन्नता, भूख, प्यास, और ये सारी संवेदनाएं मुझे मुझसे भिन्न है ये समझने लगी है। जैसे खुजली या मच्छर का काटना, इसको एक अलग घटना या संवेदना समझते हैं तो ये दिखता है कि मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका कॉग्निजेंस लेता हूँ। तब यह स्पष्ट होता है कि संवेदनाएं मुझसे अलग है। इसी कड़ी में बाहर की घटनाओं का और व्यक्तियों के व्यवहार का मुझ पर होने वाला असर भी मुझे दिखता है, और ये उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार मैं अर्थ देता हूँ। इस अर्थ देने की प्रक्रिया में अब धीरे धीरे सहज स्वीकृति भी शामिल होने लगी है। जैसे कि मेरी भागीदारी जो कुछ हो पाती है, यूएचवी के कंटेंट को समझने के अर्थ में उसको मैं संवेदनाओं के स्तर पर भी अब देख पाता हूँ। मतलब हमारी भागीदारी और हमारा एक्सप्लोरेशन ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये अब मैं समझने लगा हूँ। तो ये संवेदना अपने आप में दिखने लगी है कि मैं कुछ भागीदारी करूँ, फिर समझू, और फिर मुझे किसी को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही समझ जाएंगे जिन्हें मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने पिछले मॉर्निंग सेशंस के शेयरिंग में उदाहरण दिया था, मेरा और मीनाक्षी का रूम के एयर कंडीशनर के टेम्परेचर को सेट करने पर कॉन्सेंसस नहीं हो पाता था। वो चाहती थी कि 18 डिग्री सेल्सियस पे एसी रखा जाए और मैं चाहता था 24 डिग्री पर रखा जाए। मुझे ठंडी लगती थी और मीनाक्षी को गर्मी लगती थी। तो ये संवेदना जैसे कि थोड़ी ज्यादा ठंडी को मीनाक्षी के लिए मैं बर्दाश्त कर लूँ, ये अब असर करने लगी है। हमारा टकराव भी धीरे धीरे कम हुआ, और इस साल तो मीनाक्षी ने अब तक एसी भी शुरू नहीं किया है और वो कूलर से ही अपना काम चला रही है। वैसे ये ऑफिस के कलीग्स, पड़ोसी, दीदी, मम्मी और बेटी के साथ भी जो संबंध है, व्यवहार है, उसमें थोड़े थोड़े बदलाव मेरे स्तर पर करने मैंने शुरू कर दिए है। और उसका सकारात्मक पहलू ये नजर आने लगा है कि यूएचपी के प्रस्ताव को वो लोग अब गंभीरता से सुनने लगे हैं। मेरी वाइफ मीनाक्षी तो इस बार 5 मिनट की शेयरिंग करने के लिए भी राजी हो गई थी, लेकिन मैं बाहर गाँव आ गया हूँ इसलिए वो अभी बात नहीं कर पाएंगी। वो स्पेसिफिकली एक शादी की बात रखने वाली थी कि मतलब पहले यूएचपी की हमारी बातें जो बार बार हम समझ में आ गया तो लोगों को समझाते थे, उसको लाइटली लिया करते थे लोग। तो फिर पिछले 1-1.5 सालों से जैसे बार बार एफडीपीज में ऑब्जर्वर के रोल में जाना शुरू हुआ, कंटेंट्स को देखना शुरू हुआ, तो फिर ये समझ में आने लगा कि उसको बताने से ज्यादा जीने में ही ठीक है। तो एक शादी का एक छोटा सा किस्सा वो खुद मीनाक्षी शेयर करने वाली थी तो मैं बता देता हूँ कि हमारे घर में एक शादी थी, जुड़ गई थी हमारे साड़ू के लड़की की। अभी कल ही उसका नागपुर के सेंटर पॉइंट में एंगेजमेंट हुआ। तो ये शादी टूट गई थी, मतलब हमारे घर के पास में वो हमारे साड़ू की लड़की है, उनके दोनों परिवारों में कुछ बात को लेके, कैश के व्यवहार को लेके अनबन हो गई और समझने में तू तू मैं हो गई, और ज्यादा बातें गर्मा गर्मी में हमारा नहीं जमने वाला। और उसमें उनका 3 लाख का वो हॉल बुकिंग का, उन्होंने लिए हुए कपड़े, सारी सारी चीजें मेस में आ गई, सारी चीजें भयंकर परेशानी में आ गई। तो हम लोग रात को 10 बजे केवल वहां मिलने के लिए गए थे और मैंने फिर बात एक भी नहीं की, मैंने सारा किस्सा सुना और फिर मैंने एक ही बात उनसे कही कि हो सकता है कि आप दोनों अपनी अपनी बातें रख रहे हो, बट दोनों में से किसी ने भी अपनी किसी की बात सुनने की कोशिश नहीं की है। तो आप एक काम कर लीजिए कि एक
छोटा सा मैसेज ड्रॉप करके उनको दे दीजिए कि आपकी वजह से हमारा 3 लाख रुपए नुकसान तो हो ही गया है ऑलरेडी, बट आप केवल मतलब आपकी बात हम ठीक से नहीं समझ पाए, तो हम शांति से बैठ के क्या इस बात को कल बैठ के एक राउंड टेबल बैठ के समझा सके कि आप क्या कहना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं। इतना केवल एक मैसेज डाल दीजिए, ऐसा मैंने बोला तो बोले इससे कुछ काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बट मैसेज उन्होंने उस रात को डाल दिया था। और आश्चर्यजनक तरीके से दूसरे दिन वो लोग नासिक से नागपुर में आए, फिर उनकी बैठक हुई, और फिर वही सारी चीजें मतलब एक दूसरे की बातें सुनने की वजह से उनको फिर गलत फहमी दूर हो गई, और वो संडे को होने वाली जो एंगेजमेंट थी वो कल हो पाई, और फिर वो चीजें थोड़ी स्ट्रीमलाइन हुई। तो इसकी वजह से भी मीनाक्षी तुरंत वो शेयरिंग करने के लिए तैयार हो गई थी। आपने कही हुई छोटी सी एक बात है कि दूसरे की बात सुननी चाहिए, जो हमारा वो सुनने वाली एक्सरसाइज है उसको लेके, तो वो बहुत मतलब लग रहा था उसको कि मैं उसको बताऊं, बट आज वो नहीं बता पाएंगी। तो इस तरह से चीजें फिर धीरे धीरे अपने व्यवहार से, अपने बदलाव से काम करनी शुरू हो गई। हमारी प्रिंसिपल मैडम के साथ में भी इसी वजह से थोड़ा सा परिमार्जन हुआ है कि अपने कामों में मैंने रुचि बढ़ाई, फिर मेरे कामों में मेरा कमिटमेंट दिखाया, तो उनका भी रिटर्न अच्छा आया है कि कानपुर में होने वाले एफडीबी के लिए, और मई में जो एफडीबी टीम के लिए मुझे को फैसिलिटेटर जाना है उसके लिए उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी, नहीं तो हमको फिर इसके लिए साल में केवल एक बार ही जाना है, इस तरह की बातें सुननी पड़ती थी। अब वो स्वीकृतियां अभी बढ़ने लगी, तो ये जो गति बन रही है उसके लिए मॉर्निंग सेशंस में कुमार भैया शर्मिला दीदी का मार्गदर्शन काफी सहायक सिद्ध हो रहा है, कि जिससे हमारे जीने में परिमार्जन हो रहा है। टीम डेवलपमेंट में उमेश भैया जो छोटी छोटी बातें अपने व्यवहार के स्तर पर समझाते हैं उसका भी बड़ा उपकार हो रहा है। यशवंत भैया, विनय भैया, अपराजिता दीदी, मोहन भैया की वॉलंटियरिंग हम जो पास से देखते हैं, उनका जो समय जाता है और जिस तत्परता से वो काम करते हैं और सहायता भी देते हैं दूसरे को, तो वो देख के फिर वो जुड़ाव बढ़ रहा है कि इन चीजों को करने में कितना मतलब खास करके आनंद आने वाला है और करने लायक यही काम है। खास करके गणेश सर, अभिषेक भैया और राजुल भैया का वर्धा में दत्तपुर में यहाँ पे लोक ज्ञानपीठ के काम के लिए आना हुआ है 2 बार, उनके साथ में रहकर काम करने का भी कहाँ मौका मिला है। तो उससे ये समझ में आ रहा है कि ये चीजें केवल समझ के स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते साथ में समाज में भी कुछ भागीदारी हम कर सकते हैं, और इसके लिए इजीली एक्सेसिबल जो एरिया हमको दिखता है वहाँ काम अगर करते हैं साथ साथ, तो हम बहुत अच्छे से इसमें गति भी कर पाएंगे और अपने आप को हार्मोनी में रख पाएंगे। हार्मोनी की जो गैप है वो दिन ब दिन फिर धीरे धीरे कम होती जाएंगी, ये समझ में आ रहा है। और खास करके नागपुर की जो टीम अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, छोटी सी टीम है हमारी, प्रशांत भैया है, प्रतीक भैया है, अश्विन भैया है, अमरावती से विजय भैया है, संदीप भैया है, पल्लवी दीदी है, नागपुर से जसमीर दीदी है, रश्मि दीदी है, इन लोगों का एक टीम बन रहा है। टीम मिलके हम अभी छोटे एक दो सोशल पार्टिसिपेशन में भी हम लोग जाने वाले हैं। तो टोटल कुल मिला के ये जर्नी अभी बहुत आनंददायक हो रहा है और उत्साह भी आ रहा है कि ये सब हम अच्छे से कर पा रहे हैं, और अच्छा योगदान भी धीरे धीरे हम बढ़ा पाएंगे। और हमारी जो जो समय देने की बात है, वहाँ फिर ये दिखता है कि अभी मैं 2 घंटे मॉर्निंग सेशंस तो करता हूँ, और एक आध घंटा फिर मैं वीकली मीटिंग्स है या ट्रांसलेशन का काम है या एफडी का वो कर रहा हूँ, तो ये 3 घंटे का जो मेरा पर डे वाला जो समय था उसको बढ़ा के मैं भी 4 घंटे इस बार मैंने करने का सोचा है। डेली मैं 4 घंटे इसमें दे दूँ किसी तरह से अपने अपने हिसाब से, बट तभी मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये मुझे दिख रहा है कि जितना हम करेंगे उतना हमको दिखेगा कि कितना ये सब काम करता है, कितना ये परिणाम कारक है। तो सभी को धन्यवाद, सभी के लिए बहुत बहुत आभार कि मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। यूएसबी के कंटेंट्स का विशेषकर आभार कि कंटेंट्स बनाने के लिए कितने कष्ट होते हैं, ये ट्रांसलेशन के काम देख के समझ में आता है कि एक एक शब्द, एक एक वाक्य, और इसको समझना, समझाना, उसके ऊपर मार्गदर्शन करना, ये सभी रिसोर्स पर्सन का, सभी वॉलंटियर्स का, और सभी कंटेंट्स बनाने वालों का फिर से एक बार आभार। सभी को नमस्ते। जी धन्यवाद भैया। तो अभी कुमार भैया से निवेदन करेंगे कि भैया की शेयरिंग के बारे में अपनी बात रखें। जी, बहुत ही बढ़िया रही, बहुत ही अच्छे शेयरिंग को सुन पाया। अजय भैया की शेयरिंग भी बहुत अच्छी रही, और अजय जी भैया भैया, अभी रिसेंटली वर्कशॉप अटेंड करते रहे हैं, सुबह के सत्र में भागीदारी करते रहे हैं, और जैसा आपने घटनाओं को शेयर किया, मुझे लगता है कई लोगों को प्रेरित कर रहा होगा कि कैसे छोटी छोटी घटनाओं में मैं अपने भाव को देख पाता हूँ। कोई अगर बेल बजाया और कोई आ रहा है घर पे, तो मैं झाड़ू को छुपा दिया, तो मेरे अंदर क्या भाव था, पत्नी के साथ किसी मुद्दे पे, या कबूतर को लेकर, एसी को लेकर, जिस तरह से आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और यहाँ रख भी पा रहे हैं,
और जिस तरह से आपने बताया कि मीनाक्षी जी भी धीरे धीरे आशान्वित हो रही हैं कि हाँ आप में परिमार्जन हो रहा है, और जैसा आपने बताया शादी ब्याह को लेकर भी एक जो मुद्दा था उसको भी आप लोग सुलझा पाए बातचीत के द्वारा, तो बहुत ही बढ़िया संकेत है भैया। हम लोग मीनाक्षी जी को नहीं सुन पाए, अगली बार प्रयास करेंगे, या आगे भी कुछ समय है अगर वो संक्षेप में कभी रखना चाहें किसी स्लॉट में तो संक्षेप में जी अपनी बात रख। भैया उन्होंने कोई वर्कशॉप जी। अटेंड किया अभी पूरा? नहीं भैया वो तो नहीं कर पाई है वर्कशॉप, बट अभी किसी परिवार इसमें अभी कोशिश कर रहे हैं जाने की बात। अच्छा ठीक है, तो अच्छा रहेगा मतलब, या अपने बारे में ना कह पाए तो आपके साथ जो संबंध में परिवर्तन आया है उसके बारे में शेयर कर सकती हैं, तो और लोगों को भी प्रेरणा देगा, तो बहुत ही बढ़िया भैया। अभी आप कहीं वस्तु को रख भी रहे हैं स्टूडेंट वर्कशॉप में या इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में अभी रख पा रहे हैं? हाँ भैया, वो वीकली मीटिंग में मैंने 2-3 बार रखा है, अभी अपने आरपी डेवलपमेंट के इसमें अभी रखने की इच्छा हुई है, अभी अगले 15 दिन में, एक हाँ, महीने में आरपी मैं डेवलपमेंट के लिए आप प्लान करिए जी और भैया वीकली मीटिंग्स में और कुछ बढ़ाइए सत्र में, और कुछ बात रखने का है तो और अच्छा रहेगा, आपकी और अच्छी तैयारी हो पाएगी इससे। और आपने जी भैया बुक क्या पढ़ लिया एक बार? हाँ भैया। जी बढ़िया, आपके कॉलेज में तो पढ़ाई जा रहा होगा ये कोर्स? कॉलेज में नहीं है बड़े, मैं भैया मैं एमबीए में पढ़ाता हूँ, तो एमबीए में ये ऑप्शनल है और इसमें क्रेडिट कोर्स कुछ है नहीं, तो केवल एक SIP स्टूडेंट डेवलपमेंट स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के वक्त ही इस विषय को पढ़ाया जाता है, ओके ओके तो फिर वो रेगुलर नहीं होता पाता है, फिर क्लास में मैं कभी कभी समय निकाल के फिर इसको करता हूँ, बस इतना ही है। बधाई।